गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी तक हम लोग हिंदी लिटरेचर में लेसन वन अमृतवाणी के दोहे पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उन दोहों के बारे में सब अच्छी तरह से अर्थ समझा, उनके भाव को जाना और क्वेश्चन आंसर किए, एक्सरसाइज की। आज हम लोगों का चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आप लोगों ने सब अपनी कॉपी पर वर्क कर लिया होगा। अब आज हम लोग लिटरेचर का लेसन टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस पार्ट का नाम है बच्चों आधा इनाम। आधा इनाम का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाफ भाग। किसी को जैसे किसी को कुछ 100 रुपये मिले हों तो उसमें से 50 रुपये, तो आधा इनाम। आप बच्चों आज हम लोग इस लेसन को आपकी बुक से ही रीड करेंगे और समझेंगे। बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं यहाँ सामने। इसमें हमने 2-3 शब्द और जोड़े हैं, उनको आप बाद में अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बच्चों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस पाठ में कहानी है, उस कहानी के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि भ्रष्टाचार जो होता है उसकी असली जड़ क्या होता है। बच्चों भ्रष्टाचार का मतलब जानते हैं ना, जो कि आज के समय में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, जिसको कहते हैं करप्शन। बच्चों तो करप्शन की वजह से ही ज़्यादातर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों रिश्वत। किसी को देना और लेना दोनों ही अपराध हैं। अतः ना तो हमें बच्चों किसी से रिश्वत लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। ये सबसे मूल कारण है बच्चों भ्रष्टाचार का, करप्शन का, क्योंकि ये सबसे नीचे से लेके छोटे से लेके ऊपर बड़े तक, अगर जहाँ पर ये चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ, यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक ये चीज़ें जाती हैं और इन्हें कोई रोकने वाला फिर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में, हर ऑफिस में, हर जगह बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करना चाहता। रिश्वत मतलब जानते हैं ना बच्चों, पैसा किसी को देना और लेना, या किसी और चीज़ की रिश्वत देना। अब आइए देखिए, आपको सबसे पहले आपके कठिन शब्द हम बता रहे हैं, भ्रष्टाचार, आयोजन, घोषणा, सौभाग्य, आश्चर्य, आदेश, मूर्ख, अटल। यहाँ पर देखिए 3-4 शब्द ब्लू में भी दिख रहे होंगे आपको इस पैराग्राफ में। भोज, घोषणा तो आपका मिल ही गया आपको, प्रसन्न। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो शब्द आए हैं उनको हम लोगों ने कठिन शब्द में दे दिया है सब। अब देखते हैं हम लोग इसमें कहानी में क्या है, ये कहानी किसके बारे में बता रही है। तो बच्चों किसी नगर में एक राजा रहता था। उसे किस चीज़ का बहुत शौक था बच्चों, भोज देने का। भोज का मतलब जानते हैं ना कि किसी को पार्टी करना, पार्टी देना, खाना खिलाना, तो उसे भोज देने का बहुत शौक था। वह समय समय पर महल में भोज का आयोजन करता रहता था। वो क्या करता था बच्चों, समय समय पर मतलब बीच बीच में बार बार वो अपने महल पे ही इसका आयोजन अर्थात इसका प्रोग्राम करता था, जिसमें लोगों को बुलाता था। तो राजकुमारी के जन्मदिन पर राजा ने एक बहुत बड़े भोज की तैयारी कर रखी थी। किस पर की थी बच्चों, राजकुमारी। राजकुमारी का मतलब समझ रहे हैं ना, राजा की पुत्री। वो क्या हुई, राजकुमारी। उसका जन्मदिन था, बर्थडे था, तो राजा ने एक बहुत बड़े भोज की तैयारी कर रखी थी। वह भोज में सबको मछली खिलाना चाहता था, लेकिन भोज के लिए बहुत बड़ी मछली नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब जब इतना बड़ा भोज है बच्चों तो उसके लिए सामग्री भी उसी तरह बहुत बड़ी चाहिए। तो राजा को बहुत बड़ी मछली चाहिए थी, तो उसने क्या किया, पूरे नगर में अपने घोषणा करवा दी। घोषणा का मतलब जानते हैं ना, मुनादी करा दी या उस चीज़ को अनाउंसमेंट करा दिया पूरे नगर में कि जो भी व्यक्ति भोज के लिए बहुत बड़ी मछली पकड़कर लाएगा, उसे मछली के मूल्य के अतिरिक्त, मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि जो भी व्यक्ति जो है, जो आदमी मछली लेकर के आएगा, उसे जो मछली का मूल्य होगा उसको तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा उसको इनाम भी दिया जाएगा।
अब तो राजा की घोषणा को सुना तो सुनकर जो एक मछुआरा था, मछुआरा जानते हैं ना बच्चों, जो मछली पकड़ने का काम ही करता है, वह जाल लेकर समुद्र के तट पर गया। उसने समुद्र में बच्चों जाल फेंक दिया, मतलब जाल को फैला दिया जाता है बच्चों समुद्र में, और फिर वहीं किनारे बैठ करके जाल का किनारा पकड़ लेते हैं, जिससे कि धीरे धीरे मछली उसी के अंदर आके पकड़ में आ जाती हैं। फेंका तो सौभाग्य का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर, कि बहुत बड़ी भाग्यवान उसने, उन्हें सोचा कि मेरा तो सौभाग्य है, और उसे एक बहुत बड़ी मछली उसमें पकड़ में उसके आ गई, जाल में मिल गई। बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, वह मछली लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल के बाहर बच्चों दरबान होते हैं ना, वो पहरा दे रहा था। उसे अंदर आने से रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। ये बात किसने कही बच्चों? राजा का जो दरबान था, महल का दरबान था, उसने मछुआरे को अंदर जाने नहीं दिया, कहा कि तुम रुको और तुम अंदर नहीं जा सकते। बच्चों आज हम लोगों ने इस कहानी का यहाँ इतना पार्ट पढ़ा, इसमें आपने देखा ना कि एक राजा था, उसे किस चीज़ का बहुत शौक था? भोज देने का। और वह अपने महल पे समय समय पर भोज का आयोजन करता रहता था। इसी में एक दिन राजकुमारी के जन्मदिन पर उसने एक बहुत बड़े भोज की बच्चों तैयारी की। भोज में वो क्या खिलाना चाहता था बच्चों? मछली खिलाना चाहता था। अब उसको इसके लिए क्या चाहिए था? एक बहुत बड़ी मछली चाहिए थी। तो उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मछली पकड़कर बड़ी लाएगा उसको उसके मूल्य के अलावा भी इनाम दिया जाएगा। जब ये घोषणा एक मछुआरे ने सुनी तो वो जाल लेकर समुद्र के तट पर गया और उसने समुद्र में जाल फैला दिया, और सौभाग्य से उसका था कि उसको मछली भी मिल गई। बहुत खुश हुआ और मछली लेकर महल की ओर चल पड़ा, लेकिन महल के बाहर ही वह रह गया। महल के बाहर दरबान खड़ा था, उसने उसे अंदर जाने से रोक दिया और कहा, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हो। बच्चों यहाँ तक की कहानी आज हम लोगों ने पढ़ी, इसके आगे की कहानी बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आप लोग इसकी रीडिंग करिएगा, ठीक है? होमवर्क में बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि लेसन के ऊपर कठिन शब्द लिखे हैं और कुछ शब्द यहाँ पर ब्लू से लिखे हुए हैं, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। तो बच्चों पहला शब्द है भ्रष्टाचार, आयोजन, घोषणा, सौभाग्य, आश्चर्य, आदेश, मूर्ख, अटल, भोज, प्रसन्न, कोड़े। तो बच्चों इतने शब्द ये आप अपनी कॉपी पर कठिन शब्द डाल के लिख लेंगे, ये आज का आपका होमवर्क है। अब देखिए बच्चों संस्कृत जो है, अब आपको अलग से संस्कृत का पीरियड नहीं होगा। आज आपने देखा आज से आपका टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो आप अब जो है 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका हिंदी का पीरियड होता है। उसी पीरियड के अंदर आप जब अपनी वीडियो देखते हैं उसमें हिंदी का काम करने के बाद संस्कृत का काम भी उसी पीरियड में करेंगे बच्चों। अब हम लोग संस्कृत में चलते हैं। देखिए बच्चों संस्कृत में हम लोग इसके पहले लेसन 1 पर चल रहे थे, मम मित्रम, है ना? मम मित्रम हम लोगों का समाप्त हो गया कल। आज हम लोग आ गए लेसन 2, द्वितीय पाठ, दीपावली। दीपावली जानते हैं ना बच्चों, यह हमारे यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे हम सभी लोग बहुत ही प्रेम से और बहुत खुशी से मनाते हैं। आपकी बुक में इसके बारे में लेसन दिया हुआ है। आज हम लोग इसमें से एक पैराग्राफ पहले उच्चारण संस्कृत में करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे, ठीक है बच्चों? देखिए, भारत वर्षे अनेका उत्सवा मान्यन्ते, तेषु उत्सवेषु दीपावली एका प्रमुख उत्सवा अस्ति। अयम उत्सवा कार्तिक मासस्य अमावस्याम तिथो भवति। अस्मिन् दिवसे श्री रामचंद्र लंकाया नृपं रावणं वधं कृत्वा लक्ष्मणेन सीतया च सह अयोध्यां
प्रत्यागच्छत्। जना तेषां स्वागताये दीपान प्रज्वलयन्। आपने देखा बच्चों, हम लोगों ने एक पैराग्राफ उच्चारण किया इसका। अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। भारतवर्षे अनेका उत्सव मान्यन्ते। क्या बताया बच्चों कि भारतवर्ष में अनेकों उत्सव मनाए जाते हैं। तेषु उत्सवेषु दीपावली, उनमें से एक उत्सव क्या है बच्चों? दीपावली एक प्रमुख उत्सव है। अयम उत्सव कार्तिक मास से अमावस्याम तिथो भवति। यह उत्सव कार्तिक महीने में अमावस्या की तिथि पर होता है। अस्मिन् दिवसे श्री रामचंद्र, इस दिन श्री रामचंद्र लंका के राजा रावण का वध करके लक्ष्मणेन लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। जना तेषां स्वागताये दीपान प्रज्वलयन्। लोग उनके स्वागत में दीपों को, दीपक जानते हैं ना बच्चों, जो दिए जलाए जाते हैं, दीपान प्रज्वलयन्, दीपक जलाए थे। बच्चों ये पैराग्राफ आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, इसका भाव मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को हम होमवर्क में कुछ शब्दार्थ दे रहे हैं जो आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। देखिए, भारत वर्षे, भारत वर्ष में अनेका अनेक उत्सवा त्योहार मान्यन्ते मनाए जाते हैं। तेषु उनमें अस्मिन् दिवसे इस दिन नृप राजा वधम हत्या प्रत्यागच्छत वापस लौटे प्रज्वलयन जलाए। तो बच्चों ये आपने समझ लिया, ये शब्द अर्थ हैं, ये आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। अभी और भी इसमें हैं, हम लोग वो नेक्स्ट डे करेंगे बाकी के शब्दार्थ। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, भारतवर्षे, भारतवर्ष में अनेका मतलब अनेक उत्सव, मैंने बच्चों त्योहार मान्यन्ते मैंने मनाए जाते हैं, तेषु मैंने उनमें, अस्मिन् दिवसे इस दिन, नृप मैंने बच्चों राजा, वधम मैंने हत्या, प्रत्यागच्छत वापस लौटे थे ना, प्रज्वलन जलाए। तो ये आपके इस पैराग्राफ में जितना अभी तक आपने पढ़ा उसके भावार्थ, उसके ये अर्थ हैं शब्दों के। अभी यहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं बच्चों, इसके आगे का कार्य आगे कल हम लोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों।